हेलो दोस्तों, मैं रणजीत चौहान से आपका स्वागत करता हूं आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल जिसका नाम है रणजीत चौरसिया द फिजिसिस्ट। और भी ऐसे थर्ड ईयर के वीडियो लेक्चर्स की इस सीरीज में आज हम लोग बात करने वाले हैं मास एनर्जी इक्वेलेंस की। मास एनर्जी इक्वेलेंस हम लोग पढ़ने वाले हैं आज, मास एनर्जी इक्विवेलेंस। और अगर हिंदी में देखा जाए तो हिंदी में इसको बोलेंगे द्रव्यमान ऊर्जा समतुल्यता। और अगर मैथमेटिकली बोला जाए तो ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वेयर। बहुत सुना होगा, सुना तो नहीं होगा, चलो देखा तो होगा ही। जहाँ भी फिजिक्स की बात हो लगा देते हैं इसको पीछे में, चिपका दिया जाता है। E इज इक्वल टू एम सी स्क्वेयर, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वेयर। देखिए इसका मतलब क्या है। ऐसा तो आप मतलब इस नाम से ही निकाल सकते हो, ये जो मास एनर्जी इक्विवेलेंस, यानी कि मास और एनर्जी दोनों क्या हैं, इक्विवेलेंट हैं। इक्विवेलेंट मीन्स क्या, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्विवेलेंट। हिंदी में समतुल्यता कह रहे हैं, क्या है इसका मतलब। मास और एनर्जी दोनों जो हैं एक दूसरे के तुल्य हैं, दोनों एक ही हैं अलग अलग फॉर्म्स में। दोनों एक ही चीज़ हैं लेकिन अलग अलग फॉर्म्स में हैं, ओके। और इसका मतलब ये भी है कि आप मास को एनर्जी में और एनर्जी को मास में कन्वर्ट कर सकते हो। एनर्जी को मास में और मास को एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है। E इज इक्वल टू एम सी स्क्वेयर, इस इक्वेशन का मतलब यही है। और मालूम है देने वाले कौन है, द महान अल्बर्ट आइंस्टीन, ओके। तो चलिए आज हम इसको डिराइव करेंगे, इसको प्रूव करेंगे E इज इक्वल टू एम सी स्क्वेयर को। तो क्लियर होना चाहिए कि है क्या ये। ये है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का एक आउटकम है, ये भी वहीं के परिकल्पनाओं से निकल के एक रिजल्ट आया है, जो कि प्रैक्टिकली वेरीफाइड भी है। ऐसा नहीं कि एक कोरी कल्पना है कि बस इधर उधर कुछ की और आ गया, ये वास्तविक रूप में भी E इक्वल टू एम सी स्क्वायर को पाया गया है। प्रैक्टिकली भी, एक्सपेरिमेंटली भी ये वेरीफाइड हो चुका है, केवल ये कोरी कल्पना नहीं है। कोरी कल्पना मीन्स केवल ऐसा नहीं है कि हाँ भैया दे दिया है तो बस हो गया काम, मैथमेटिकली नहीं है, थ्योरेटिकली ही नहीं है, बस एक्सपेरिमेंटली भी ये पाया गया है कि हाँ भैया ऐसा होता है। द्रव्यमान को ऊर्जा में और ऊर्जा को द्रव्यमान में परिवर्तित किया जा सकता है। अगर एम मास का कोई ऑब्जेक्ट है, कोई पार्टिकल है, तो उससे आपको इतनी एनर्जी मिलेगी एम सी स्क्वायर। और अगर मान लो इस ई जो है, ई इज द एनर्जी, इतनी एनर्जी से आपको एम मास का एक पार्टिकल भी मिल सकता है। तो दोनों कन्वर्टिबल हैं, एनर्जी को मास में और मास को एनर्जी में। तो चलिए प्रूव करते हैं। और प्रूव करने से पहले हम लोग जरा रिवाइज, पुरानी यादों को एक बार ताज़ा कर लें। ताज़ा क्या करना है, आपको तो पता ही होना चाहिए कि गतिज ऊर्जा जो है, काइनेटिक एनर्जी है, ये होता है 1/2 mv², ये पढ़ा है आपने 1/2 mv². कहाँ से, कैसे, 9th में भी पढ़ा है, 11th में भी पढ़ा है, BSc के फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में भी सुना होगा इसके बारे में। सबको पता होता है कि भैया गतिज ऊर्जा जो है 1/2 mv² होती है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv² होता है। लेकिन इस फॉर्मूले में m इज कॉन्स्टेंट, द्रव्यमान जो है वो नियत है, v ये जो आम दिनचर्या है हमारी डेली लाइफ में, जो वेलोसिटी है 100 किलोमीटर पर आवर, 400 किलोमीटर पर आवर, इस स्पीड के लिए है ये। लेकिन जब हम लोग लाइट के स्पीड को अप्रोच करेंगे, जब हम लोग प्रकाश के चाल के आपेक्षिक चाल की बात करेंगे, रिलेटिविस्टिक वेलोसिटी की बात करेंगे, वहाँ पे आपको पता होना चाहिए मास कॉन्स्टेंट नहीं रह जाता, मास भी वेरी करता है। उस केस में देखिए हम लोग को क्या क्या चीज़ें देखने को मिल रही हैं। तो चलो सपोज लेट कंसीडर, मान लो कि आपके पास एक कोई सा भी कण, कोई सा भी पार्टिकल, कोई सा भी बॉडी है, वी
वेलोसिटी से मूव कर रहा है, उसका मास अभी एम है और ये रिलेटिविस्टिक वी है ना, वी इज लेस देन सी नहीं है, वी सी से बहुत बहुत छोटा नहीं है, उसके आसपास है, प्रकाश के चाल के आसपास की बात हो रही है। तो अब मान लो उस पर हम लोग एक बल एफ लगाते हैं, एक फोर्स एफ अप्लाई करेंगे, जिससे कि उसमें जो विस्थापन, जो डिस्प्लेसमेंट है डी एक्स हो रहा है, मीन्स आपने डी एक्स डिस्प्लेसमेंट तक उस पर फोर्स एफ अप्लाई किया है, आपने फोर्स अप्लाई किया है, आपने बल आरोपित किया है, यानी आपने वहाँ पे काम किया है। एंड वी नो दैट अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम, आपने जो काम किया है वही क्या होगा, उस ऑब्जेक्ट के या उस पार्टिकल के या उस वस्तु के गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होगा। तो सपोज कि चलो जो मैंने वर्क किया होगा वो डी के, दैट इज द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, इतना उसकी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन हुआ है, इतना उसकी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन हुआ होगा। सो व्हाट इज डी के, डी के विल बी इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, दिस इज वर्क, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन, जितना आपने काम किया है उतना ही उसकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज होगा। सो डी के इज इक्वल टू एफ डी एक्स, डी के कैन बी रिटन एज एफ, एफ क्या होगा, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, डी पी अपॉन डी टी इंटू डी एक्स। बट पी को भी अपन क्या लिख सकते हैं, पी को लिख सकते हैं एम इंटू वी, सो एम वी अपॉन डी टी, ओके डी एक्स। और अब आपको एम वी को डिफ्रेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू टी, ऐसी गलती आप ना करिएगा कि एम को बाहर निकाल लिया, क्योंकि एम इज नॉट कॉन्स्टेंट एट दिस स्पीड। जब आप अपेक्षिक वेगों की बात करोगे, रिलेटिविस्टिक स्पीड की बात करोगे, वहाँ पे मास कॉन्स्टेंट नहीं है। सो अगर वहाँ पे मास कॉन्स्टेंट नहीं है, ओहो उसको नहीं लेना था, एक मिनट ना जी, थोड़ा सा मैं इसको एडजस्ट कर दूँ, मेरे को बस इतना लेना है, छोटा कर दूँ तो इसने काम चल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आगे बढ़ रहे हैं अपन, तो इसको डिफरेंशिएट करते हैं, डी के इज इक्वल टू, ठीक है डी एक्स तो अभी किनारे ही रखिए, डी एक्स का इनके लफड़ों से कोई लेना देना नहीं है, ये हो जाएगा एम डी वी अपॉन डी टी, डी वी अपॉन डी टी प्लस एम तो हो गया, अब यहाँ पे वी डी एम अपॉन डी टी, ये फॉर्मूला आपको पता है ना, अगर नहीं पता है ना दोस्त तो मैं लिख भी देता हूँ, क्या है ना किसी की यादों में इतना खो जाते हैं हम कि हमें फॉर्मूले ही याद नहीं रहते, या फॉर्मूले याद रखना होगा, डी बाई डी एक्स यू इंटू वी, जहाँ पे यू और वी बोथ आर द फंक्शन ऑफ एक्स, क्या होता है ये यू डी वी अपॉन डी एक्स प्लस वी डी यू अपॉन डी एक्स, दिस इज द फॉर्मूला अप्लाइड हियर, ये फॉर्मूला हमने अप्लाई किया यहाँ पर, ठीक है अच्छा है, बहुत अच्छा है। डी के इज इक्वल टू एम डी वी अपॉन डी टी, डी वी अपॉन डी टी, तो यहाँ पे आप डी वी अपॉन डी टी को ए मत लिख देना, वहाँ पे अपने को नहीं लिखना है, हम इसका कोई और ही रूप प्राप्त करना चाहते हैं, वी डी एम, ठीक है, और डी टी यहाँ आगे डी एक्स अपॉन डी टी हो जाएगा, डी एक्स अपॉन डी टी, और डी एक्स अपॉन डी टी को अपन लिखेंगे, क्या लिखेंगे डी एक्स अपॉन डी टी को, एम डी वी प्लस वी डी एम, डी एक्स अपॉन डी टी को वी कैन राइट हियर वेलोसिटी, वेलोसिटी वी, क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत होगा नहीं, और वी का इंटू कर दो, आप वी का इंटू करोगे तो व्हाट विल बी चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी, यहाँ पे आपको मिलेगा डी के इज इक्वल टू, यहाँ पे इंटू हो रहा है तो ये एम वी डी वी हो जाएगा, एम वी डी वी प्लस, और यहाँ पे वी स्क्वायर डी एम है, ये वी स्क्वायर डी एम, तो इसको आप कोई भी इक्वेशन नंबर दे दो, मैं इसको रेड वाले डब्बे में बंद करता हूँ, ये एक इक्वेशन आ गया अपने पास, सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर वन, ओके तो दिस इज इक्वेशन नंबर वन, एंड नाउ वी आर गोइंग टू यूज रिलेटिविस्टिक मास एक्सप्रेशन। क्या हमने फाइंड आउट किया था पिछली वाली लेक्चर में,
पिछले वाली क्लास हमने क्या फाइंड आउट किया था, वी नो डैट, आपको लिखना पड़ेगा वी नो डैट एम इज इक्वल टू एम नॉट अपॉन रूट ओवर वन माइनस वी स्क्वेयर अपॉन सी स्क्वेयर. एम नॉट इज रेस्ट मास, एम एम इज द मास एट वेलोसिटी वी. ओके, सो एम इज इक्वल टू एम नॉट रूट ओवर वन माइनस वी स्क्वेयर अपॉन सी स्क्वेयर स्क्वेयरिंग बोथ साइड. स्क्वेयरिंग ये मैं लिख नहीं रहा हूँ, आप समझ जाओगे ना. स्क्वायर कर लीजिए, दोनों साइड को स्क्वायर करिए, तो ये हो जाएगा एम का स्क्वायर इज इक्वल टू एम नॉट का स्क्वायर डिवाइडेड बाई वन माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर. जी हाँ, सो ये हो जाएगा एम स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, और ये ऊपर आ जाएगा एम नॉट का स्क्वायर सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर. इसको इधर इंटू करिए. हम लोग ये सब कर क्यों रहे हैं? ये सब हम लोग कर रहे हैं उस चीज़ को प्राप्त करने के लिए जो प्राप्त करने के लिए हम सब यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं. सो एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर इज इक्वल टू एम नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर. डन, फाइन, बढ़िया. इसको इंटू करो तो ये हो जाएगा एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस क्या क्या लिखा रहा है, एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस माइनस एम स्क्वायर वी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये तो एम नॉट स्क्वायर है, ये सी स्क्वायर है. ठीक है, इसके बाद क्या करना है, इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं. डिफ्रेंशिएटिंग अबव इक्वेशन, डिफ्रेंशिएटिंग इसका अवकलन कर लीजिए यार, इसका अवकलन कर लीजिए. सी स्क्वायर इज कॉन्स्टेंट, एम कॉन्स्टेंट नहीं है, तो ये हो जाएगा टू एम डी एम पार्शियली डिफ्रेंशिएट हो रहा है सी स्क्वायर, तो मैंने वही रहने दिया बस. माइनस एम वी दोनों ही चेंज हो रहे हैं, तो किसी को भी आप बाहर निकाल के किसी को एक को डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हो, तो फॉर्मूला लग जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा टू एम डी एम वी स्क्वायर, टू एम डी एम वी स्क्वायर फॉर्मूले में यहाँ प्लस होता है, फिर ये हो जाएगा टू वी डी वी एम वी स्क्वायर एम स्क्वायर. और इधर क्या मिलेगा आपको, राइट हैंड साइड में क्या मिलेगा, एम नॉट इज कॉन्स्टेंट, सी इज ऑल्सो कॉन्स्टेंट, दोनों ही कॉन्स्टेंट हैं. देख लो, कोई दिक्कत तो नहीं है. एम स्क्वायर सी स्क्वायर, तो इसका डिफ्रेंशिएशन होगा टू एम डी एम, पार्शियली डिफ्रेंशिएट हो रहा है, कम्प्लीटली नहीं. टू एम डी एम सी स्क्वायर माइनस ये दो फंक्शन का एक मल्टीपल या एक गुणा हो गया. एम स्क्वायर को टू एम डी एम वी स्क्वायर एज इट इज रखा है, वैसे ही रख दिया है, प्लस इसको डिफ्रेंशिएट करोगे टू वी डी वी मिलेगा, और एम स्क्वायर वैसे का वैसा रखा हुआ है, ये जीरो के इक्वल आएगा. ठीक है, तो ब्रैकेट ओपन करने का टाइम आ गया, बंदिशें तोड़ दी जाएं और हमें उससे मिलने दिया जाए. टू एम डी एम माइनस वी स्क्वायर भी तो है दोस्त, वी स्क्वायर माइनस टू वी डी वी एम स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू जीरो. 2m यहाँ भी है, 2m यहाँ भी है, और देखा जाए तो 2m यहाँ भी है, तो 2m जीरो हो जाए, और 2m निकाल के जीरो ले जाओ. इसको लिखिए सी स्क्वायर डी एम माइनस, 2m चला गया, इसको लिखिए वी स्क्वायर डी एम माइनस माइनस 2m, तो बचा क्या, यहाँ बचा v और m भी तो बचेगा एक, तो थोड़ा सा इसको जमा के एम वी डी वी इज इक्वल टू जीरो लिख देते हैं. सी स्क्वायर डी एम माइनस वी स्क्वायर डी एम माइनस एम वी डी वी इज इक्वल टू जीरो. कुछ करने को बचा है यहाँ पे, डी एम यहाँ भी है, डी एम यहाँ भी है, आप इसको कॉमन निकाल सकते हैं, उसको उठा ले जा सकते हैं अगर ले जाना हुआ तो अपन देखें हमने इक्वेशन नंबर वन कहाँ निकाला है. एम वी डी वी यहाँ पे एम वी डी वी है, वी स्क्वायर डी एम है, तो हम लोग इसकी वैल्यू निकालेंगे इस इक्वेशन से, तो क्या मिलेगा देख लो, यहीं ले आता हूं मैं, ये मिलेगा सी स्क्वायर
डी एम इज इक्वल टू, दोनों माइनस उधर गया तो क्या बना, तो बना एम वी डी वी प्लस वी स्क्वायर डी एम। और इस इक्वेशन को भी मैं रेड घेरे के अंदर बंद कर दूं, ये रहा डब्बा के अंदर, और इसको मैं नंबर दे देता हूं नंबर सेकंड, कोई दिक्कत नहीं। तो अब आप इक्वेशन वन को देखिए, इक्वेशन टू को देखिए, एम वी डी वी वी स्क्वायर डी एम वी स्क्वायर डी एम, ये इक्वल है डी के, ये इक्वल है सी स्क्वायर डी के डी एम के। तो फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू, समीकरण एक व दो से, फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू, फ्रॉम इक्वेशन वन एंड इक्वेशन टू, इक्वेशन वन एंड टू से क्या हो जाएगा, डी के किसके इक्वल आ गया, डी के इज इक्वल टू, डी के इज इक्वल टू सी स्क्वायर डी एम, डी के इक्वल टू सी स्क्वायर डी एम, कोई दिक्कत है क्या, देख लीजिए डी के इक्वल टू सी स्क्वायर डी एम, सही है। अब देखो क्या करना है, अब हम लोग इसको थोड़ा सा कंप्लीट एनर्जी निकाल, दिस इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी फॉर द स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डी एक्स, आपको याद होगा हमने डी एक्स डिस्प्लेस किया था पार्टिकल या ऑब्जेक्ट को। चलो मान लो कि हम लोग पार्टिकल को रेस्ट से, जीरो से मीन्स पार्टिकल रेस्ट में रहा होगा, हमने फोर्स एप अप्लाई किया और उसको वी वेलोसिटी तक ले गए, जीरो से वी तक ले गए उसको। जब जीरो से वी ले जाओगे तो जीरो पे मास कितना होगा, जीरो पे मास रेस्ट मास, और वी पे मास जो उसका रिलेटिविस्टिक मास जो भी होगा एट वेलोसिटी वी। तो जब हम लोग मान लीजिए कि उस पार्टिकल को जीरो से बल लगाकर उसको वी वेग तक ले गए हैं तो उसका डोमेन एम जीरो से एम हो जाता है। अब इसको मैं डिफरेंशिएट कर इंटीग्रेट करूंगा अबव इक्वेशन को, तो द टोटल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो से वी तक ले जाने का जो टोटल काइनेटिक एनर्जी है, टोटल काइनेटिक एनर्जी है, तो कुल गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा मैंने वर्ड यूज किया है, तो ये के हो जाएगा, के हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। देखो यहाँ पे वेरिएबल मास है तो हम लोग मास वाले लिमिट रखेंगे, कहाँ से कहाँ हो जाता है मास, एम जीरो से एम हो जाएगा सी स्क्वायर, ओके, एंड सी इज कॉन्स्टेंट तो सी स्क्वायर वन, वन का इंटीग्रेशन एम, और एम के लिए लिमिट क्या लगाओगे आप, एम नॉट से एम, डन। सो के इज इक्वल टू सी स्क्वायर एम माइनस एम नॉट, ठीक है। इसको भी मैं थोड़ा एक डब्बे में, ग्रीन डब्बे में या ब्लू डब्बे में जो भी है डब्बा मेरा, ये हो गया। इसको इक्वेशन में मैं तीन लिख देता हूँ। सो दिस इज के इज इक्वल टू सी स्क्वायर एम माइनस एम नॉट, दिस इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ दैट पार्टिकल एट रिलेटिविस्टिक स्पीड, बट वी इज इक्वल टू जीरो पर जो पार्टिकल का स्थितिज ऊर्जा होगा, स्थितिज ऊर्जा और यू कैन से रेस्ट एनर्जी विराम ऊर्जा जो होगा दैट विल बी गिवन बाय एम नॉट सी स्क्वायर, एम नॉट सी स्क्वायर, ओके, एम नॉट सी स्क्वायर, रेस्ट एनर्जी इज इक्वल टू एम नॉट सी स्क्वायर। पार्टिकल अगर रेस्ट में है तो उसके बाद जो एनर्जी है दैट इज गिवन बाय एम नॉट सी स्क्वायर। एंड अब हम लोग उसके कुल ऊर्जा की बात करते हैं, ये तो रिलेटिविस्टिक स्पीड पे एनर्जी है और इतनी एनर्जी रेस्ट पे भी थी, तो कुल ऊर्जा जो होगी, टोटल एनर्जी विल बी गिवन बाय, टोटल एनर्जी इज गिवन बाय, कैसे दोगे, ये रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी प्लस रेस्ट एनर्जी, तो टोटल एनर्जी को हम लोग ई से डिनोट कर देते हैं। चलो ई, के की वैल्यू कितनी है, ये है सी स्क्वायर एम और ये ब्रैकेट में माइनस एम नॉट प्लस रेस्ट एनर्जी विराम ऊर्जा और पोटेंशियल एनर्जी विल बी गिवन बाय एम नॉट सी स्क्वायर। तो यहाँ से आप इसको हल वल करेंगे तो दिख रहा है कि ई इक्वल टू क्या मिल जाएगा, ई इक्वल टू मिल जाएगा एम सी स्क्वायर, ई इज इक्वल टू सी एम सी स्क्वायर, और यही इक्वेशन हमको डिराइव करना था। और इस इक्वेशन से आपको पता चल, दिस इज द टोटल एनर्जी,
टोटल एनर्जी, रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी, दिस इज रेस्ट एनर्जी। अंतर समझिए आप, इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। कोई भी अगर पार्टिकल है, ठीक है, अगर मास m है तो उससे आपको इतनी एनर्जी मिल जाएगी। जैसे कि चलो हम लोग एक कॉम्बिनेशन लेते हैं, एक इलेक्ट्रॉन का और एक पॉजिट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, पॉजिट्रॉन उसी का एंटी पार्टिकल है, पॉजिटिवली चार्ज होता है, मास सेम है, 9.1 × 10⁻³ के जी, ये भी 9.1 × 10⁻³ है। इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन जब दोनों मिलेंगे, तो वहाँ पे जो एनर्जी लिबरेट, जो एनर्जी बनता है वो होता है 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और ये इस इक्वेशन से बिल्कुल मैच खाता है, 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और अगर मान लीजिए कि आपके पास एक फोटोन का न्यूक्लियस है, अगर उस फोटोन के न्यूक्लियस को आप 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी देते हो, तो आप वहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन बनता है और एक पॉजिट्रॉन उत्पन्न होता है। एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन उतने ही मास का, 9.1 × 10⁻³ के जी, जो कि इस इक्वेशन से वेरीफाइड होता है, इस इक्वेशन को वेरीफाई करता है। ओके, तो ऐसा नहीं है कि ये केवल एक कल्पना है, एक हाइपोथेसिस है या एक थ्योरी है, नहीं, ये बिल्कुल वास्तविकता को मैच खाता है। लेकिन सी स्क्वायर याद रखिए, सो ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, सो दिस इज अवर रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन। अब देखो, हमने यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का एक व्यंजक, एक फॉर्मूला डिराइव किया है, के इज इक्वल टू सी स्क्वायर एम माइनस रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी। तो थोड़ा सा आगे बढ़े अपन, वी नो डैट के इज इक्वल टू, वी नो डैट नहीं, हमने जो फाइंड आउट किया है, सी स्क्वायर एम माइनस एम नॉट, के इज इक्वल टू सी स्क्वायर एम माइनस एम नॉट। अब देखिए, क्या ये इक्वेशन जो आया है काइनेटिक एनर्जी का, क्या ये हमारी जो दैनिक लाइफ है, हमारी जो डेली लाइफ है, वहाँ पर जो हम लोग काइनेटिक एनर्जी देते हैं, क्या ये उसको भी, उसे मैच खाता है कि नहीं? क्योंकि अगर आपने बोला है इस काइनेटिक एनर्जी इतना होता है, तो सभी के लिए मान्य होना चाहिए। तो देखते हैं कि हमारा जो जनरल, जो क्लासिकल मैकेनिक्स का काइनेटिक एनर्जी है, जो कि बोलता है कि लो स्पीड पर 1/2 mv² होगा, तो क्या ये इक्वेशन 1/2 mv² के इक्विवेलेंट आता है कि नहीं लो स्पीड पे, जहाँ पे v इज लेस देन सी होता है। तो चलिए इसको हल करें। तो पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं, हम जानते हैं कि व्हाट इज वैल्यू ऑफ m, तो हम m की वैल्यू रखेंगे, तो ये हो जाएगा k इज इक्वल टू सी स्क्वायर एम नॉट, बिल्कुल सही, एम नॉट रूट ओवर 1 - v² / c² ब्रैकेट में माइनस एम नॉट। तो एम नॉट यहाँ से कॉमन निकाल लीजिए आप, सो के इज इक्वल टू एम नॉट सी स्क्वायर 1 √1 - v² / c², दिस इज -1। ओके, सो के इज इक्वल टू एम नॉट सी स्क्वायर, और यहाँ पे ये है, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप 1/2 लिख सकते हो, पावर 1/2, 1 √1 दिस वॉज द एक्सप्रेशन, वहाँ से हम लोग इसको करके लागे आगे आए हैं, 1 - v² इसको तो रूट में लिखना था, तो रूट में लिख देते हैं, 1 - v² / c² का का जो पावर है, डेट इज 1/2 - 1। ओके, अब देखिए, अगर मैं इसको ऊपर ले जाता है, इसको ऊपर ले जाएगा मैं, तो ये -1/2 हो जाएगा, के इज इक्वल टू एम नॉट सी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 - v² / c² का पावर अभी भी है, लेकिन ये -1/2 है, साथ में -1 है, कोई दिक्कत तो नहीं है अभी तक फिलहाल, सिंपल अलजेब्रा है, ये सिंपल सा कैलकुलेशन है। k इज इक्वल टू, अब देखो हम लोग कंडीशन लगा रहे हैं v इज लेस देन सी, हमारा कंडीशन यहाँ पे है क्या, v इज लेस देन सी। आम जो हमारा जीवन है, जहाँ पे चालें जो है अक्सर प्रकाश के चाल की तुलना में नगण्य होती हैं,
तो v इज लेस देन c, तो v अपॉन c विल बी बहुत छोटा होगा ये, तो यहाँ पे आप क्या एक्सप्रेशन लगाओगे? बाय बाइनोमियल थ्योरम यू नो, इस वाले टर्म को लाके यहाँ पे इंटू कर दिया जाता है, जिसको आप ऐसा कुछ बोलते हो कि 1 प्लस एक्स का पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स इफ x इज लेस देन 1, ऐसा हो तो. तो जब v x से बहुत बहुत छोटा होगा तो इसका जो v बाई c का होल स्क्वायर जो आएगा दैट विल बी ऑल्सो लेस देन 1. इन दैट केस हम लोग ये एक्सप्रेशन अप्लाई कर सकते हैं. तो m नॉट c स्क्वायर इधर आके 1 प्लस 1 बाई टू वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, और ब्रैकेट भी ओपन कर देता हूँ मैं, -1. ठीक है, तो यहाँ से कुछ ख़त्म हो रहा है, हाँ जी कट रहा है, सबका कट जाता है टाइम आने पर. और ये मैंने फॉर्मूला अप्लाई किया था, इसको आप रख लीजिए इधर संभाल के. k इज इक्वल टू m नॉट सी स्क्वायर 1 बाई टू वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर. तो सी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बचा क्या, k इज इक्वल टू 1 बाई टू एम नॉट वी स्क्वायर. बिल्कुल सही है. और दिस फॉर्मूला वी जनरली यूज्ड इन अवर डेली लाइफ, k इज इक्वल टू 1 बाई टू एम वी स्क्वायर, एम नॉट वी स्क्वायर, दिस इज रेस्ट मास और मास ऑफ द पार्टिकल एट अ लोअर वेलोसिटी. तो देखिए ये फॉर्मूला जो आया था काइनेटिक एनर्जी का, ये इस फॉर्मूले से भी मैच खा रहा है, इस कंडीशन को भी वो सेटिस्फाइड कर रहा है, v इज लेस देन सी को भी. तो ये था आपका स्टार्टिंग, देख लीजिए ये था आपका मास एनर्जी इक्वलेंस, जहां हमने इक्वेशन डिराइव किया है e इक्वल टू एम सी स्क्वायर, बहुत ही सिंपल वे में, बहुत ही आसान तरीका. मैंने 2-3 बुक्स देखे हैं, थोड़ा सा लेंदी और कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन थे, ये सबसे आसान था. अपने को एक बार प्रूव करने से मतलब है, किसी भी तरीके से करिए, कोई भी अलजेबरा बस गलत नहीं होना चाहिए. तो डी के यहाँ से भी डी के आपने इक्वल करते हो आप, उसके बाद ये आपको इक्वेशन मिलता है काइनेटिक एनर्जी का. टोटल एनर्जी निकालोगे तो इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर है, और ये हमने यहाँ पर बताया है कि जो हमने इक्वेशन निकाला है के का, वो क्लासिकल मैकेनिक्स के काइनेटिक एनर्जी को भी मैच करता है. और आगे हम लोग एक रिलेशन निकालेंगे, रिलेशन बिटवीन रिलेटिविस्टिक एनर्जी एंड रिलेटिविस्टिक मोमेंटम, ये एक संबंध हम लोग को बहुत ही काम की चीज़ है. रिलेशन बिटवीन रिलेटिविस्टिक, अरे अरे कहाँ आसमान छू रहा है, वो ऊपर ही जा रहा है, आप थोड़ा नीचे कर लेना. रिलेशन बिटवीन रिलेटिविस्टिक मोमेंटम एंड रिलेटिविस्टिक एनर्जी. ओके डन, फाइन, बढ़िया. तो ये रिलेशन निकालना है अपने को, रिलेशन बिटवीन रिलेटिविस्टिक मोमेंटम एंड रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी. रिलेशन बिटवीन, तो हम लोग यहाँ पे एक क्वांटिटी निकालेंगे, ई स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये इक्वल आएगा एम नॉट का स्क्वायर सी टू द पावर 4 आएगा. ई स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू एम नॉट स्क्वायर सी टू द पावर 4 आएगा ये. तो देखो इसको डिराइव करना कोई भी मुश्किल काम नहीं है, हम लोग वी नो डैट ई इज इक्वल टू होता है एम सी स्क्वायर, एंड एम की वैल्यू क्या रख देंगे अपन यहाँ पर, एम इज इक्वल टू रख देंगे एम नॉट अपॉन रूट ओवर 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर. एंड अगेन वी नो डैट वॉट इज मोमेंटम इज इक्वल टू एम इंटू वी, एंड एम इज अगेन दिस वैल्यू, तो ये हो जाएगा एम नॉट अपॉन रूट ओवर 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इंटू वी, सी स्क्वायर वही रहेगा. तो जब यहाँ पे आप ई की वैल्यू रखोगे, फिर यहाँ पी की वैल्यू रखोगे, सॉल्व करने पे आपको ये मिलता है
एम नॉट स्क्वायर सी टू द पावर फोर, एंड दिस इज द रिलेशन बिटवीन रिलेटिविस्टिक मोमेंटम एंड रिलेटिविस्टिक एनर्जी. रिलेटिविस्टिक मोमेंटम एंड रिलेटिविस्टिक एनर्जी. सो एम की वैल्यू की आपको जरूरत पड़ेगी, जो आपने ऑलरेडी निकाल रखा है. ये मोमेंटम भी आपको पता ही है. अब यहाँ पे बात ध्यान देने वाली क्या है कि एम नॉट स्क्वेयर सी टू द पावर फोर, राइट हैंड साइड में जो क्वांटिटी है वो तो कांस्टेंट टर्म है. इधर में जो राइट हैंड साइड में जो क्वांटिटी वो तो कांस्टेंट है. एम नॉट स्क्वेयर सी टू द पावर फोर इज कांस्टेंट. इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये है कि ये और ये जो क्वांटिटी है ये हमेशा कंजर्व्ड या कांस्टेंट रहता है, हमेशा कांस्टेंट रहेगा. ऑल द इनर्शिया फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए, किसी भी इनर्शिया फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए ई स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर विल बी कांस्टेंट. ई स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर विल बी कांस्टेंट. तो इसको आप डिराइव कर सकते हो. मैं यहाँ पे उसको इजी है, ये ई वैल्यू रखिए पी वैल्यू रखिए, सॉल्व करेंगे तो आपको ये मिलेगा. ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए. तो चलिए, आज हमने पढ़ा है मास एनर्जी इक्वलेंस को, ई इक्वल टू एम सी स्क्वायर को डिराइव किया है. आई होप कि आपको लेक्चर पसंद आया होगा. अगर पसंद आ रहा है मेरे दोस्त तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, भाई सब्सक्राइब करो और करवाओ यार, फेमस करो, मेक मी फेमस. एंड चलिए, अब हम लोग मिलेंगे अपने अगले लेक्चर में नए टॉपिक के साथ. तब तक के लिए अलविदा.